मानना है कि ड्रैगन्स का जमाना गुजर चुका है, मगर हकीकत ये है कि ड्रैगन्स का समय तो बस अभी शुरू हुआ है। हर 500 साल के बाद एक लड़की का जन्म होता है। जवान होने पर उसे एक ऐसी दैवी शक्ति प्राप्त होती है जो एक सांप को विशाल ड्रैगन में बदल सकती है। एक नेक सांप उस असीम शक्ति का इस्तेमाल ब्रह्मांड की रक्षा के लिए करेगा। एक शैतान सांप उस असीम शक्ति का इस्तेमाल दुनिया को बर्बाद करने के लिए करेगा। अब उस देवी शक्ति के सामने आने का वक्त आ चुका है। नियति के चेहरे से नकाब के उठने का वक्त आ चुका है। चाहते हो तो चुपचाप जाके वहां खड़े हो जाओ। जाओ, मैं सोलो पाना मरा है। सुना, कितनी ही अजीबोगरीब घटनाओं को कवर किया है, पर ये उन सबसे ज्यादा अजीब है। मैंने इसे पहले भी देखा है। ये लकीरें कुछ कह रही हैं। इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक तो है मेरे साथ, पर क्या हो सकता है? कहीं है वो कहानी तो नहीं जो जैक ने मुझे सुनाई थी? ईथन, ईथन बेटा, किसी चीज को छूना मत। जानता हूं, मेरा बेटा हर चीज को जानना चाहता है। देखिए, जानने की चाहत ही इंसान को समझदार बनाती है। खैर, तो मैं क्या कह रहा था? ओ, ये कई पीढ़ियों से मेरे परिवार में ही रहा है। इसके साथ हमारे बहुत सारे जज्बात जुड़े हैं। लेकिन कीमत जज्बात की नहीं, चीज की होती है। फिर भी कुछ तो होनी चाहिए इसकी कीमत। 1000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। क्या, बहुत कम है। मैं तो 5000 तक सोच के आया था। 100 साल से भी पुरानी चीज है। आजकल ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही है मेरे पास। मैंने कुछ 5000 ज्यादा कह दिया। देखिए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, दर्द हो रहा है। तो क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? नहीं, एम्बुलेंस नहीं, डॉक्टर भी नहीं। वैद्य की दुकान में जाओ, वो जो लकड़ी वाले पुल के सामने है, उसको मेरे बारे में बताना। उन्हें मालूम है क्या करना है। जल्दी जाओ, मैं तुम्हें 10000 दूंगा इस खर्चे के। ईथन, ईथन, क्या हुआ? देखो, तुम इनका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। बस अभी आया। रोशनी निकली। जो तुमने अभी अभी देखा वो अच्छे इमोगी की चमड़ी थी, और वो रोशनी वो स्वर्ग से आई हुई रोशनी थी। स्वर्ग की रोशनी? इमोगी? बैठो। इमोगी कोरिया की प्राचीन कथाओं में पाए जाने वाला एक जीव है, जो शक्ति मिलने पर ड्रैगन में बदल जाता है।
इमोगी नाम के विशाल सांप हुआ करते थे। वो स्वर्ग में अपनी विशाल सेना के साथ रहते थे और हर 500 साल के बाद एक इमोगी को उसके अच्छे कामों के लिए इनाम दिया जाता था और उस सांप को मौका मिलता था दैवी ड्रैगन बनने का। लेकिन सिर्फ यही नहीं, दैवी ड्रैगन बनने के लिए इस इमोगी को ऊपर स्वर्ग से यूई जू की शक्ति हासिल करनी पड़ती थी। ये यूई जू की शक्ति उसकी भक्ति ही है जिससे ये इमोगी एक विशाल ड्रैगन में बदल पाता है। लेकिन अफसोस, उन सब अच्छे सांपों के बीच में एक शैतान सांप भी था, बुराकी। उसे भी चाहिए था यूई जू। उसकी सेना इसे हासिल करने के काबिल थी लेकिन स्वर्ग को यह मंजूर नहीं था। अरे वहां कुछ गिरा। स्वर्ग ने एक और कदम उठाया। उसने अपने सबसे महारथी योद्धा हरम और उसके गुरु पूजन को भी पृथ्वी पर भेजा ताकि वो हर हाल में शैतान बुराकी से यूई जू की रक्षा कर सके। पर बदकिस्मती से शैतान बुराकी को अंदाजा हो गया कि यूई जू को कहां छुपाया गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? ध्यान से सुनो बेटा। सरकार, क्या बात है? क्या हुआ? वो मालकिन, पता नहीं उनको क्या हो गया, वो बेहोश हो गए हैं। आखिर वो वक्त आ ही गया। आंखें खोलो। एक लड़की जो कोरियाई परिवार में पैदा हुई। इम्ज़ा। सरकार, आपको लड़की पैदा हुई है, इसका कंधा देखिए। यूई जू पूरी तरह तब तैयार होता है जब लड़की की उम्र 20 साल हो जाए। उस वक्त जिस इमोगी को ये हासिल हो वो ड्रैगन में बदल सकता था। आइए बैठिए। बताइए गुरु जी, इतनी रात गए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? श्रीमान, मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। आपकी बेटी को हमें इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कुर्बान करना होगा, यही स्वर्ग की इच्छा है। गुरु जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कुछ देर पहले ही मेरी बच्ची को जन्म देते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप जैसा महान इंसान ऐसी बात करेगा। आपकी बेटी का जन्म यूई जू की शक्ति के साथ हुआ है। अब स्वर्ग की यही इच्छा है कि ये शक्ति अच्छे इमोगी को मिले। बुरे इमोगी शैतान बुराकी ने स्वर्ग के साथ धोखा किया है और वो उसे हथियाना चाहता है। ये सब बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। यूई जू, अगर वो बुरे इमोगी के हाथ में आ गया तो श्रीमान आप सोच भी नहीं सकते कि इस गांव में कितनी तबाही होगी। पर गुरुजी, आप मेरी बच्ची के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? वो इसलिए कि आपकी बच्ची के शरीर पर एक लाल ड्रैगन का निशान है। आप कैसे जानते हैं? 20 साल तक पूजन ने उस बच्ची नारिन को पाला और स्वर्ग से आए हरम को एक बहादुर योद्धा बनाया। अब नारिन एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। हरम को नारिन से प्यार हो गया। नारिन को भी ये एहसास होने लगा कि वो हरम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है। वाह, क्या बात है, तुम तो जल्दी मुझे भी हरा दोगे। सब आपका आशीर्वाद है गुरुजी। हरम, अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। शैतानों की टोली किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। जानता हूँ और मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इमोगी को नमन करो। ये वो इमोगी है
जिसे स्वर्ग ने चुना है। इसे यूईजू की शक्ति लेकर वापस स्वर्ग में लौटना है। इंसानों का अस्तित्व कायम रखने का यही एक तरीका है। गुरुजी आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। जिस रोज नारिन 20 साल की होगी उसके भीतर यूईजू की शक्ति पूरी तरह तैयार हो जाएगी। मैंने आने वाले कल के लिए बहुत सपने देखे हैं। हम खुशनसीब हैं कि हमें इस नेक काम के लिए चुना गया है।